गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से यस रियल ब्लॉग में। करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। ये ताऊ जी दिख रहे हैं, हम जा रहे हैं सौंटी गांव में जहां लगा हुआ है मेला। जी हां, माता की निशान यात्रा का मेला और ये है पूजा का अंतिम दिन, पूजाई का अंतिम दिन। बल्कि गाँव की तरफ से भंडारा, मार्केट की तरफ से। मेरे साथ हैं भाई शशिकांत ममगाई और यहाँ पर लगा हुआ है तरपाली सैन व्यापार संघ की तरफ से एक भंडारा जो शुरू में ही है तरपाली सैन व्यापार संघ का। दोस्तों, पिछले मेले में फंस गई थी मेरी गाड़ी बहुत देर तक, इसलिए गाड़ी मैंने बहुत दूर पीछे खड़ी कर ली है और अब चल रहे हैं यहाँ से पैदल आगे की ओर। ये तो दोस्तों सड़क है, मेला जो लगाया है वो गांव में नीचे लगना है। अब मुझे ढंग से जानकारी तो है नहीं, लेकिन गांव में हम जाएंगे, वहां पे देवता नाचेंगे, जो भी कार्यक्रम होगा फिर वहां जाकर पता चलेगा कि आगे क्या होना है। बहुत लोग दिख रहे हैं साइड में, हर मेले की तरह दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ देखिए, देख खिलौनों की दुकान, टेडी बियर्स, सलून का दुकान लगाई तूने, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो कर लो भाई, खरीदारी बहुत सारी हो रही है, खरीदारी बहुत। हमारे विद्यालय से कुछ मैडम लोग भी आ गई हैं। ये गौरिया आ गई है, देख भी नहीं रहा। समय के साथ साथ दोस्तों मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग अभी आ रहे हैं चारों दिशाओं से। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, सामने है मंदिर, वहाँ भेंट चढ़ाएंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे गांव की तरफ। अच्छा, वहीं पे लग रहे ना भेंट। चलो ठीक है, थैंक यू। एक खाड़ू है, खीर बनी जो बने हमारा बस। हां हम देख के खड़े छे सा, हम दस दस ना खूब जा, दस दस ना खूब जा। हम लेखा कैसी पर जगह पे बात है, ये है गांव, छोटी गांव, ऊपर से दिखता नहीं है। आइए दोस्तों, ये है गांव सौंटी, बड़ा प्यारा, बहुत ही सुंदर। पटाल देखिए मकानों की कितनी प्यारी है, राड क्षेत्र में ये बहुत प्यारे मकान पटालों के होते हैं। बड़ा सुंदर नजारा ढाईजुली घाटी का दिख रहा है गांव के साथ साथ, और बड़े ही प्यारे मकान है। मैं पहली बार इस गांव में आया, देखिए दोस्तों कितना अच्छा ये व्यू है। दोस्तों, सौंटी गांव से भक्तों का जो रेला चला था वो लगभग 20 दिन बाद गांव लौटा है, तो बड़ा उत्सव का माहौल है। जिंदा जागता ये बढ़िया डायलॉग था, ये बढ़िया डायलॉग था। मैं रामा बोले, तुम्हारे मुखड़ भी खा। यहाँ जाने वाले हैं दोस्तों हम पंचायत चौक में और देवता के स्थान पर। यहाँ आए हैं दोस्तों पूर्व विधायक गणेश गुरियाल जी। ये दोस्तों पंचायत चौक और इसके नीचे है थोड़ा सा देवता का स्थान, यहाँ पे खड़े हैं गुदियाल जी, शायद कुछ पूजा पाठ होगी। देवता तो नीचे। ये हमारे पैठाणी के एक मित्र जिनसे मैं वार्ता कर रहा हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार, और ठीक, जय माता दी। Thank you.
अब फाइनल मेला स्थल की ओर प्रस्थान। जल्दी होने लग गए। चले चैनल का कौन से खतरा पर ब्योमा। दोस्तों माता का निशान और सारी सामग्री सारे देवता ऊपर चले गए मंदिर की ओर, हम भी चलते हैं वहाँ पर माता का स्थल पूजन होगा। हाय, निशान काफी आगे चला गया है दोस्तों, बहुत भीड़ है, सारे रास्ते भर गए हैं। देखिए दोस्तों ऊपर माता का निशान दिख रहा है, हालांकि सामने नजदीक हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज भी दिख रहा है। नहीं है कुछ ना वीडियो बना बना कुछ गलत एडिटिंग वजह से ना कई चीज है। लोग मिल रहे हैं देखिए। ये तो भाई साहब वहाँ देख ना। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। का बाद में करना नाश्ता अभी पहुंची रहो। दोस्तों कार्ड तो बहुत सारी जगह से आए थे इस गांव से ही, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कौन कार्ड कहां कहां से आ रखा है। बाबा माता के भक्तों का जन सैलाब देखिए दोस्तों, कितने सारे भक्त हैं और इनमें से कुछ लोग तो 16 17 या 20 दिन से लगातार नंगे पांव यात्रा करते जा रहे हैं। और आज कितनी खुशी की बात है कि ये माता का मेला आज संपन्न हो जाएगा, इनके लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है दोस्तों। ये मेला नहीं, एक महान यज्ञ और महान तप है जिसका फल आज इन भक्तों को मिलने जा रहा है। माता के प्रति ये आस्था बनी रहे। जय माता दी, आपको भी माता का आशीष पहुंचे और भक्ति का ये रस आपको भी प्राप्त हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये प्रिंस ऑफ, ये किंग ऑफ सलोन है। ये किंग ऑफ सलोन है। ऊपर कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है दोस्तों, नजदीक से दिखाता हूँ, देखिए जरा। छूट गई तू आप कर हेलो। अरे दो चार दोस्त मिले हैं, हाय हम भी फ्रेंड हैं इनका, दोस्त मिले हैं मेरे को, जरूर डालूंगा भाई साहब, आ जाओ। नमस्ते 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 नमस्ते, ठीक है कोई बात नहीं। अपनी आज की यात्रा सफल हो गई दोस्तों। भाभी आना चाहो, ये देखो नरेश भाई की मैसेज भी आ गई और लोग भी। इनसे बात करते हैं अभी, और पीछे जो लड़कियां थी आयशा लोग, ये बड़े की लड़कियां हैं, अभी मैंने वीडियो में देखा है। ब्याज पर से आ जाना साहब, तू निशान निकलते ना, आप घूमो भी निकलो, कितना साल बाद निकल दू, 35 साल बाद निकल, तो बहुत बड़ी कोई मतलब। तो आप लोग मैं मंदिर में आया हूँ कि केवल कोई है
अच्छा चलो धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है सुमन? बढ़िया, मस्त लग रहा है। ठीक है दोस्तों, शिवानी चौहान पहाड़ी ब्लॉग और बड़ी प्यारी लड़की यार, बहुत मेहनती है, तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इसके वीडियो ब्लॉग्स। 20 साल बाद यहाँ से, तुम्हारे गांव से भी निकलता है? हमारे यहाँ से। कब निकला होगा, तुझे याद है? 40 साल पहले निकला था। मतलब तू पैदा नहीं हुई थी तब? अब निकलेगा तो पहली बार? पापा भी तब छोटे थे। अच्छा। भक्तों का सैलाब देखिए दोस्तों, जब मैं गांव जा रहा था तब यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत कम लोग थे इसके 1/10 भाग के बराबर, और अब देखिए जन सैलाब। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ उप्रेई, आपकी महिमा अपरंपार है। यहाँ से जगह बनाते दोस्तों नीचे जाने के लिए, बहुत ज्यादा भीड़। बहुत बड़ी भीड़ है दोस्तों, और ये है सोटी गांव से निशान निकला हुआ है, और आखिरी दिन है निशान का। कितनी जबरदस्त भीड़ इस आगे, यह दोस्तों काली माता का खपर का स्थान, यानी काली माता का स्थान, ऊपर मंदिर है उपरई माता का। अच्छा तो रावत जी आप घूमने गए आ जाओ कि? हाँ भाई जी, मेला देखना है। क्यों मेरे दब गया तो मेरा वीडियो बना दे, कम से कम पता तो चलेगा मेरे क्या था। पक्का? क्यों नेट नहीं है? चल बोलता कर देता हूँ। और दोस्तों ये कौतगेर मेले का आनंद लेते हुए, हमें निकलना है।
हेलो, ये है बड़े गांव की बालिकाएं आयशा और उसकी सहेलियां। अब चलते हैं। चलो ठीक है। पहले एक को इसमें आ जाओ, हाय करो। हेलो हेलो हेलो, हाय करो जरा जोर से। तो सौगिया डाल ले, अभी तो तेरी उम्र छोटी, अभी तो बहुत छोटा है तू। प्रणाम, कैसे हो तुम लोग? आ गए पीछे में, आ गए। करो दोनों, करो दोनों, करो। थोड़ा लेट गई, 12 1 बजे ले आ। अरे इसलिए तो मैंने गाड़ी उधर खड़ी कर दी, मुझे पता था यहाँ दिक्कत होने वाली है। तो वीडियो रुक जाता है। ये क्या हो गया? वो निशान वही रहेगा। अच्छा, हेलो नीलम, क्या हाल है? ये देखो दो मिल गया। माता के मंदिर का नज़ारा बहुत ही प्यारा दिख रहा है दोस्तों, और भीड़ रंग बिरंगी फैली हुई। तो दोस्तों, अब समय हो गया है मेला स्थान छोड़ने का और आप लोगों से भी विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन का आनंद लीजिए और हमारे ब्लॉग इसी प्रकार देखते रहिए। आपकी सपोर्ट के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।